तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दूसरे प्रोग्राम में कि सी इन मल्टी डेटा टाइप वैल्यू का इनपुट एक साथ कैसे लेगा। मल्टी डेटा टाइप का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है हमने जिसका नाम है होल होल, एक जिसकी टाइप है इंटीजर मतलब होल नंबर स्टोर करेगा, डबल है जिसकी टाइप है फ्रैक्शनल जो कि पॉइंट वाली और लार्ज नंबर स्टोर कर सकता है, चार लेटर जो कि एक सिंगल कैरेक्टर का स्टोर करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए एंटर एन इंटीजर डबल एंड कैरेक्टर वैल्यू, ये डालेंगे और सी इन इसका इनपुट लेगा। अब इनपुट कहाँ ले रहे हैं, उसी के सामने लेना है या नीचे लेना है डिसाइड करना है। अगर हम यहाँ न्यू लाइन नहीं लगा रहे तो उसी के सामने इनपुट लेगा। तो ये इसमें इस बात को आपको समझाया गया है कि सी इन फंक्शन एक डेटा टाइप सिंगल डेटा टाइप का इनपुट भी ले सकता है और एक जैसी ही मतलब एक जैसी ही दो तीन डेटा टाइप हो और उनमें भी एक साथ इनपुट ले सकता है, और साथ अलग अलग अगर डेटा टाइप है और उसका इनपुट लेना पड़ जाए तो सी इन उसका भी एक साथ इनपुट ले सकता है। पर इनपुट देते हुए यूजर को ख्याल करना होगा जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा, ठीक है। कैसे ये देखिएगा, अभी हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा चल गया और यह हम पहला कह रहा था कि भाई इंटीजर नंबर डाले, तो हमने एक इंटीजर नंबर डाला 500, ओके। देन स्पेस, अब एक दें दो दें दस दें वो आपकी मर्जी है। फिर डबल वैल्यू डाली 550.6789 देन स्पेस। अब सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू डाली है, तो याद है सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू इनपुट करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं समरीन? हाँ दिया चलें, हाँ ना 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 इनपुट की अंदाज़ ही लिखने वाले, हाँ करीना, हाँ सिंगल कोट में मेंशन करेंगे, यही बात सिंगल कोट लगाएंगे और इधर हम ये दे देते हैं एंड देन इंटर करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल कोट का जो है मामला जो है नहीं फिक्स हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें इनपुट देना है तो इनपुट देने में सिंगल कोट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वो तो जब असाइन करते हैं जब सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे। तो 500 स्पेस 550.456 स्पेस डायरेक्ट दे देंगे और आउटपुट आ जाएगा। असाइनमेंट में सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन जब इनपुट दे रहे हैं तो उसमें सिंगल कोट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी खुद सिस्टम इसको समझेगा। हाँ लेकिन एक से ज्यादा लिखेंगे लेटर्स तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये देखा आपने किस तरह से इसको हमने आउटपुट भी ले लिया इसका यहाँ पे, और ये आपको समझ में भी आ गया कि मल्टी डेटा टाइप का इनपुट किस तरह से लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया।